मथुरा जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय द्वारा ऑपरेशन शक्ति यानी पोखरण में परमाणु परीक्षण की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिजन मौजूद थे। कार्यक्रम में बताया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार की देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत शामिल हुआ, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश के वीर सैनिकों और उनके परिजनों का देश की रक्षा के साथ साथ प्रगति में भी बड़ा योगदान है और सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और वीरानियों के लिए चलाई जा रही केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं से उन्हें समय समय पर लाभान्वित किया जा रहा है। ऑपरेशन शक्ति के रूप में हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें 11 मई 1998 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके समय पर पोखरण में एक परमाणु विस्फोट किया गया था, जिससे हमें एक परमाणु ऊर्जा शक्ति संपन्न देश घोषित हुए। वैसे अमेरिका, चीन, रूस आदि देश परमाणु सबसे पहले से ही संबंधित है। इस कड़ी में भारत देश भी एक अहिंसा को समर्थन देने वाला देश परमाणु शक्ति संपन्न है।